कहाँ था तू आ! यो मैन, आई अंडरस्टैंड, 2 दिन गायब था ना भाई। देखो पेट में ही इतना, एक तो पहली बात कैसे बताएं, पेट में दर्द बताना इज इक्विवेलेंट टू क्लास में आप लोग बोलते थे ना, मैम पेट में दर्द था इसीलिए आए नहीं। एंड एवरीबॉडी नोज कि घंटा पेट में दर्द नहीं था, उसके अलावा कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो तो रीजन नहीं था बिल्कुल भी। तो ये रीजन तो कैसे ही बताओ, बट दैट्स द रियलिटी राइट। मैंने कभी झूठ बोला है? मतलब मेरी प्रेडिक्शन झूठी हुई है, बट ऐसी चीजों में कभी झूठ नहीं बोला। तो यस, सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। द वर्ल्ड इज बजिंग। जब मेरा पेट बज कर रहा था तो ऐसे में दुनिया बज कर रही थी रिगार्डिंग ब्रॉक लेसनर एंड ओमोस, जो कि पहले लग रहा था इट इज ए जोक, नाउ इट इज कन्फर्म्ड। एंड मेरे को भी शॉक हुआ ये चीज देखकर कि एक्चुअली मैं कन्फर्म्ड हो गया, बिकॉज मेरे माइंड में ये थॉट प्रोसेस चल रहा था कि मंडे नाइट रॉ में होगा क्या, कि ब्रॉक लेसनर इतना कूट देंगे ओमोस को, इतना कूट देंगे कि बस की ही नहीं होगी ओमोस की कि वो रेसलमेनिया तक पहुंच जाए और इन दोनों के बीच मैच ना ही हो, बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल नो दैट ब्रॉक लेसनर वर्सेज ओमोस काइंड ऑफ डोंट मेक सेंस राइट नाउ। बट कंसिडरिंग कि ब्रॉक लेसनर किस तरीके से मैचेस नहीं जीत पा रहे बड़े रिसेंट के मंथ्स में, तो ऐसे में ब्रॉक वर्सेज ओमोस इज अ गुड चांस कि ब्रॉक लेसनर ऊपर उठे, बट क्या सही में उठ पाएंगे? सी, मेरे को नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर अगर ओमोस से जीत जाएंगे तो कुछ फायदा होने वाला, बट ये है कि अगर इस मैच से हमें कोई मोमेंट ना मिले तो हमें ज़्यादा गुस्सा आने वाली बात होगी, तब हमें गुस्सा आना चाहिए अगर इस मैच से रिंग ना टूटे। ब्रो, लास्ट ईयर आई रिमेंबर रेसलमेनिया 38 में ड्रू मैकइंटायर ने रिंग काट दी थी, तो आई वंडर कि क्या ब्रॉक लेसनर एंड ओमोस के दिमाग में ये है कि ब्रॉक लेसनर जो है वहाँ टॉप रॉप से जो है F5 मारेंगे और रिंग जो है टूट जाएगी। आई मीन दैट वुड बी दी अल्टीमेट थिंग जो कि ये लोग इस मैच के साथ कर सकते ताकि लोग सेटिस्फाई हो सके। इंटरनेट बींग इंटरनेट ऑलरेडी हेट करने लग गया ब्रॉक लेसनर और ओमोस के मैच को, एंड हम इस पॉइंट पर कब आके पहुंच गए जब हमें बुरा लगने लग गया ऐसे कि अले ये तो ज़्यादा अच्छा डिजल्व करता है, ब्रॉक लेसनर डिजर्व्स बेटर। व्हाई डू यू थिंक ही डिजर्व्स बेटर? भाई पैसे तो उतने ही मिल रहे हैं, जहां तक मेरे को लग रहा है कि ओमोस के साथ अगर लड़ते तो भी उतना ही, नहीं लड़ते तो भी उतना ही होता, बट हे लेट्स जस्ट से कि ही डिजर्व्स बेटर। तो क्या फिर से ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस चाहिए था? मुझे पता है कि अगर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस दोबारा से होता तो लोग जो है पागल हो जाते, तब और भी ज्यादा आउटबर्स्ट होता। ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स डोंट मेक सेंस। सी, रोमन रेंस इज एट द प्लेस राइट नाउ कि वहां तो आप छेड़खानी नहीं कर सकते, आप बाकी मैचेस में जा सकते हो। मे बी ब्रॉक लेसनर वर्सेस एज, जो कि मेरा बहुत पहले से ड्रीम था कि यार ब्रॉक लेसनर वर्सेस एज तुम नहीं करा पा रहे हो तो तुमने क्या एज को यहाँ पे खेती कराने के लिए लाए हो? हैं, मेरे को समझ में ही नहीं आया एज का सीन, कि एज को ना तो ये चैंपियनशिप दे रहे ना एज को बड़ा मैच दे रहे। एज वर्सेस ब्रॉक लेसनर इज द परफेक्ट मैच जो कि रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता था। नाउ व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस? टू बी ऑनेस्ट, नथिंग। मेरे को लगता है कि एक बहुत अच्छा कोट था कि अगर आपको जिंदगी में असली इंसान बनना है तो उसकी एक वन ऑफ द क्वालिटीज ये होती है कि नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीथिंग। आई थिंक नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। हाँ, तो वो इस मैच के लिए परफेक्टली सूट हो रहा है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि ब्रॉक लेसनर वर्सेज ओमोस से आप हाई एक्सपेक्टेशंस लगा के रखो, बिकॉज अल्टीमेटली आपका भी दिल टूटेगा और मेरे को मजा आ जाएगा। सी, ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस ऐसे टाइप के मैचेस ना, मैं पता अपनी ना उस वाली कैटेगरी में रखता हूँ कि इन मैच में अगर कुछ हो जाए ना तो भाई मजे लेने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जो मेन मैचेस है जिनको मेरे को लगता है कि इन रिंग जो है अच्छे होने वाले, जैसे कि रोमन वर्सेस कोडी हो गया, सैमी ज़ेन का मैच अच्छा होने वाला है, सेथ रॉलिंस लोगन पॉल का मैच अच्छा होगा, इनको मैं अलग रखूंगा, बट ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस ऐसे मैच होने चाहिए जो कि हमें याद रहेंगे मोमेंट्स के लिए। ब्रो, स्टिपुलेशन डाल दो यार, एम्बुलेंस मैच डाल दो, एम्बुलेंस के ऊपर से ओमोस को फेंकेंगे, क्या मजा आएगा। तो इन ऑल दिस टाइम हम लोग कह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर ओमोस को फेंक देगा, बट व्हाट आर द चांसेस कि ओमोस ब्रॉक लेसनर को फेंक देंगे? सी, ओमोस को ऑलरेडी इतना बड़ा मौका मिल चुका है, ओमोस हैज नथिंग टू लूज राइट नाउ, ओमोस कैन डू एनीथिंग। और हो सकता है कि ट्रिपल एच ने द ग्रेट खली को ओमोस के अंदर देख लिया होगा एंड ही थिंक्स कि अब हमें द ग्रेट खली की तरह ओमोस को भी बड़ा वर्ल्ड चैंपियन बनाना है, और उसके लिए आई थिंक ब्रॉक लेसनर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज द ग्रेट खली ने भी अपने, जैसे ही वो आए थे तो उन्होंने अंडरटेकर को डिस्ट्रॉय किया था, तो ऐसे बड़े लेजेंड्स को करना पड़ता है ताकि आपकी ताकत दिखे। तो हो सकता है कि ओमोस इतने टाइम तक जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, शायद से अब उनका मौका आया है और वो ब्रॉक लेसनर के साथ कुछ कर दे, और अगर वो कुछ हो गया मैं तो फिर इंटरनेट का रिएक्शन इमेजिन ही नहीं कर सकता, बिकॉज अभी तो सिर्फ ब्रॉक लेसनर और ओमोस को उन्होंने फोटोशॉप के ग्राफिक्स में देखा है तब इतने भड़क गए, अगर उन्होंने एक्चुअली में मैच देख लिया और उसमें ये देख लिया कि ओमोस ने ब्रॉक लेसनर को पीट दिया है,
आधे लोग तो छत से कूद जाएंगे, मेरी ये प्रिडिक्शन है, तो इसीलिए प्लीज़ नीचे ना वो लगा के रखना कि जैसे कूदे और उछल जाए। और आधे लोग जो होंगे वो फिर ओमोस के फैन होंगे जो बच गए। यार बड़ा अजीब सा मैच अनाउंस हुआ है टू बी ऑनेस्ट, और मेरे को आप लोग कह रहे होंगे कि इस पर ऑनेस्ट ओपिनियंस, क्या मेरा ऑनेस्ट ओपिनियंस नहीं है, मैं इस वाले मैच में सिर्फ मज़े के लिए हूँ, बिकॉज मेरे को पता है ये मैच बड़ा अलग सा मज़ा देने वाला है, या तो गंदा डिसअपॉइंट कर देगा या बहुत ही ज़्यादा मज़ा दे जाएगा, और मैं मज़े वाली साइड में हूँ, क्योंकि ब्रॉक वर्सेस बॉबी से कितनी उम्मीदें करी थी लोगों ने, बट व्हाट दे डिड, डिसअपॉइंटमेंट, प्योर डिसअपॉइंटमेंट। मतलब स्पेशली रिसेंट वाला जो मैच था इससे तो कितनी उम्मीदें लगाई थी, व्हाट हैपेंड। तो अगर ब्रॉक वर्सेस बॉबी में इतना सब होके भी इतना कुछ हो सकता है, तो एक बार शायद से हमें ब्रॉक वर्सेस ओमोस को एक चांस देना चाहिए कि चलो दिखाओ करके। और पहली बात तो अभी राइवलरी भी बाकी है, कितना एक महीने की राइवलरी बची होगी बस, तो उसमें तो क्या ही कर लेंगे ये लोग। या मैं देख रहा था कि पूरी रेसलमेनिया की जो हाइप है, हाइप तो अच्छी बात है, पर मेरे को लग रहा है कि रेसलमेनिया 38 जितनी हाइप क्यों नहीं आ पा रही है, हैं? और ऊपर से राइवलरीज भी उतने अच्छे से बिल्ड नहीं हो रही है। रोमन रेंस कोडी रोड्स अब जाके फेस ऑफ करने वाले, व्हेन देयर इज ओनली 1 month लेफ्ट। 1 month आप लिटरली कोई लल्लू लल्लू पेपर व्यूज को दे सकते हो, लेकिन रेसलमेनिया को थोड़ा लंबा टाइम देना पड़ता है। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन जिस तरीके से राइवलरी जा रही है। आई रियली होप कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स का ये जो सीन है ये रॉ स्मैकडाउन में भी चले, लाइक नॉट जस्ट स्मैकडाउन बट रॉ ऑल्सो, क्योंकि आपके पास दो चैंपियनशिप है तो दो शो में आना बनता है, एटलीस्ट रेसलमेनिया तक कर लो। सो या व्हेन इट कम्स टू द बिल्ड, आई थिंक रेसलमेनिया 38 उतना खास डिलीवर नहीं कर पा रही है, बट यार ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस ये वाइल्ड कार्ड मैच हो सकता है, जो कि लोगों को मैंने अपोलोजाइज करते हुए देखा है पिछले 2 साल के अंदर, कि लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं ये गंदा मैच होगा या ये जीतेगा तो बुरा होगा, और जैसे ही मैच वो हो जाता है उसके बाद लोगों ने अपने घुटने टेके और कहा है कि वाह भाई वाह क्या मैच दे दिया WWE ने, हमें तो मजा ही आ गया। एंड आई थिंक ब्रॉक लेसनर वर्सेज ओमोस इज दैट मैच, इट इज दैट मैच जहां पर लोग जाके ट्रिपल एच के कदम चूमने वाले। सी आई एम नॉट सेइंग कि ट्रिपल एच बहुत अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, इट्स जस्ट कि ब्रॉक वर्सेज जैसे मैचेस भी कभी कभी मिलने चाहिए, रेदर देन हैविंग ब्रॉक वर्सेस रोमन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इट्स जस्ट बेटर देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि ब्रॉक लेसनर अगर खुद चाह रहे हैं, अगर उन्होंने खुद से सोचा होगा कि वो ओमोस के साथ लड़ना चाहते हैं, तो फिर ये मैच मैजिकल बनने वाला है। और मैं यहाँ पागलपंती ये कर रहा हूँ कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर गलती से ऊंच नीच हो गई तो आप लोग मेरा कॉलर पकड़ोगे, ठीक है यार अब इतना तो करना पड़ता है यार। मतलब मैं तो अपना ऑनेस्ट चीज़ें बता रहा हूँ, आपको ऑनेस्ट थॉट्स जानने थे, मैंने ऑनेस्ट थॉट बता दी। ऑनेस्ट थॉट्स आर नॉट गोइंग टू बी दोज थॉट्स जो कि आपको एक्सपेक्टेड है कि ये बोलना है, ऑनेस्ट थॉट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी ऑनेस्ट जो कि दिल से आ रहा है, और ये मेरे दिल से आया मैंने बता दिया। डेफिनेटली आई वुड लव टू नो योर थॉट्स और ओपिनियंस इन द कॉमेंट, जैसे कि आप हर बार करते आए हो, मतलब आपके कॉमेंट सेक्शन भी मेरे को लगता है कि ऑनेस्ट ही होते हैं, तो इसीलिए मैं हर बार बोलता भी हूँ कि आप लोग कॉमेंट्स में लिख कर बताओ। एनीवेज आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड यस अभी पेट थोड़ा ठीक है, एंड नो आई एम नॉट प्रेग्नेंट, हाँ ये बोलना जरूरी नहीं था।